कैसे हम गाड़ियों को इतनी आसानी से रोक लेते हैं? इसमें जनरली एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन होता है, और ये पिस्टन हमारा ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है, और यहाँ पे इसके अंदर ऑयल भरा होता है, और यहाँ पे दो छोटे छोटे पिस्टन होते हैं जो कि दो सिलेंडर में होते हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन ब्रेक पैडल लगा होता है, और इसके बीच में ये हमारा ब्रेक डिस्क है जो कि पहिए पे लगा होता है, पहिए के रोटरी हिस्से पे रोटर पे लगा होता है। जैसे यहाँ से हम ब्रेक पैडल पुश करते हैं जिसकी वजह से पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, और हमारा जो इसमें ऑयल होता है वो कंप्रेस होता है, जिस कंप्रेशन के वजह से ये पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, जिससे ब्रेक पैडल जाके पहिए पे यानी कि ब्रेक डिस्क पे चिपक जाता है, उस पर फ्रिक्शन जनरेट करने लगता है, उस पर जाके चिपकने की वजह से हाई फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिसके वजह से गाड़ियों की स्पीड धीमे कम होने लगती है और गाड़ियां रुक जाती हैं। धन्यवाद।